हेलो दोस्तों, आपको पता है दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारे खास जगह हैं, पर आज हम इन खास जगहों में से एक खास जगह जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यदि आपको भी उस खूबसूरत जगह को देखनी है तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने पड़ेंगे, क्योंकि आज हम ऐसे ऐसे दृश्यों को आपको दिखाएंगे कि आप उसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली मेट्रो से, और मेट्रो में सफ़र करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता। दिल्ली में पूरी तरह मेट्रो की जाल बिछी हुई है, बस आपको यह जानना है कि कौन सी लाइन पे आपको जानी है, क्योंकि मेट्रो की लाइन बहुत सारी है। पर अब डरने का नहीं, गूगल बाबा है, गूगल बाबा में सर्च करें और आपको मेट्रो की सारी डिटेल मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, आज मैं और मेरा दोस्त हाउस खास में घूमने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सुंदर सुंदर गुंबद बने हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ उड़ते चिड़िए और उनके चहकने की आवाज़ जो बहुत ही खूबसूरत है, और मज़ा ही आ गया आज चिड़ियों की आवाज़ सुनकर, क्योंकि चिड़ियों की आवाज़ तो दूर, चिड़ियों को देखना भी आजकल दुर्लभ हो गया है, किंतु यहाँ पे झील के ऊपर चिड़िया तैराकी करते हुए इसे देखकर आज सचमुच मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है, मज़ा ही आ गया। धरती की गोद में खूबसूरत झील और चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, वाकई में यह बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे देखकर मैं तो खुश हो गया हूँ। अब चलिए मैं आपको भी खुश करता हूँ यहाँ की खूबसूरती दिखाकर। हाँ, और एक बात बता दूँ, पूरे वीडियो भर आप चिड़ियों की चहकने की आवाज़ सुनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ बहुत ही प्यारी है। मेरे साथ वीडियो में बने रहें और यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लें। आइए अब मैं हमारे देश की राष्ट्रीय पक्षी मोर से आपको मिलाता हूँ। देखिए यहाँ ऊपर यह बैठी हुई है और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रही है। आप देख रहे हैं यह किला छोटे बड़े पत्थर से बनाई गई है जिसकी कोई आकार नहीं है। सभी पत्थरों की आकार अलग अलग है और यही इसकी खूबसूरती है, जिसे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह किला लगभग 13वीं शताब्दी की बनी हुई है जो आज भी बहुत मजबूत है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के गुंबद के नज़ारे ही अलग हैं। या जो सामने दिख रहा है या जहाज महल है, अब हम पार्क आ चुके हैं और यहाँ पे बंदरों की टोली है जो उछल कूद करते हुए अपने आप में मज़ा ले रहे हैं। यहाँ के बंदर थोड़े शरीफ हैं, अधिकतर बंदरों को देखा गया है कि वे बहुत ही शरारत करते हैं,
पर यहाँ के बंदर थोड़े शरीफ हैं, लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करते, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें पास से भी देख सकते हैं। यह हाउज खास दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पार्क के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही बड़ा है, लगभग 97 एकड़ में यह फैला हुआ है। आप यहां पे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ पिकनिक की तरह यहां पे आ सकते हैं और यहां के खूबसूरत सौंदर्य को निहार कर आनंद ले सकते हैं।